ಅನುದಿನಾ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ Yes, sir. Yes, teacher. That's it, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस मैं उम्मे सलमा माउन मौलिमा सरकारी उर्दू लोयर प्राइमरी स्कूल गब्बर तालुका देवदुर्गा जिला रायचूर जमात पंजुम मजमून उर्दू उनवान शेर हिस्सा अव्वल अकाई नंबर 9 सबक नंबर 18 प्यारे तलबा व तालिबात मैं आप सबका इस ई संवेदा क्लास में इस्तकबाल करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब इस क्लास में दिलचस्पी लेते हुए तमाम हिदायत को गौर से सुनेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस सबक का आगाज करें, मैं आपसे चंद एक बातें गुफ्तगू करना चाहूंगी। आपके घर में जानवर तो होंगे ही, या फिर आपके पसंदीदा जानवरों को आपने अपने घरों में पाल रखा होगा, जैसे कुत्ता बिल्ली। ये सब जानवर किसी न किसी के घर में रहते हैं और हर एक बच्चे को उनके पसंदीदा जानवर मालूम होते हैं। तो बच्चों, तो आज हम जो सबक पढ़ रहे हैं वो एक जानवर के मुतल्लक ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जानवरों की किस्मों को जानेंगे। तो जानवरों की दो किस्में हैं, पहला पालतू जानवर और दूसरा जंगली जानवर। तो जानवरों की कितनी किस्में हैं, दो किस्में हैं, पहला पालतू जानवर और दूसरा जंगली जानवर। तो पहले बच्चों, हम सबसे पहले पालतू जानवरों के बारे में जानेंगे। तो पालतू जानवर जिसे हम अपने घरों में रखते हैं, अपने घरों में पालते हैं, उन्हें गिजा चारा घास देते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उनके पीने पानी का इंतजाम करते हैं, उन सबको क्या कहते हैं, हम पालतू जानवर कहते हैं। जैसे गाय बैल बकरी कुत्ता बिल्ली वगैरह, ये सब क्या है, पालतू जानवर हैं। पालतू जानवर हमारे साथ रहते हैं, जिन्हें हम पालते हैं, जिन्हें हम गिजा मुहैया करते हैं और वो हमारे लिए फायदामंद भी होते हैं। यानी जैसे अगर हम घर में गाय रख रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, तो हमें क्या हासिल होता है, गाय से दूध दही मक्खन घी हासिल होता है। अगर बैल हमारे घर में है तो बैल क्या करता है, किसान का साथी होता है, वो किसान के साथ खेतों में क्या करता है, हल जोतता है, गाड़ियों में सामान लादकर खेतों से घरों तक लाता है, बैलगाड़ी हाँकता है। अगर बकरी पाल रहे हैं तो माशाल्लाह, बकरी तो क्या है, सुन्नते रसूल है, बकरी पालना सुन्नते रसूल है। बकरी से हमें दूध हासिल होता है, गोश्त हासिल होता है और बकरी के खाल से क्या बनाए जाते हैं, बैग और जूते बनाए जाते हैं। बकरी की नजम ने आपने पिछले साल अपने चौथी जमात की किताब में भी पढ़ा होगा कि बकरी से हमें क्या क्या फायदे हासिल होते हैं। इसी तरह कुत्ता एक वफादार जानवर है जो हमारे घर की रखवाली करता है। बिल्ली तो सभी के घर में मौजूद रहती है, वो चूहों को खाती है और सबकी पसंदीदा भी होती है। तो पालतू जानवर उसे कहते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, घरों में रहते हैं और जिनसे हमारे लिए फायदे भी बहुत होते हैं। तो ये हो गए पालतू जानवरों के बारे में। तो जंगली जानवर कुछ सब्जी खोर होते हैं, कुछ गोश्त खोर होते हैं और कुछ हमाखोर भी होते हैं। तो जानवर इनकी किस्में दो हैं, जंगली जानवर और पालतू जानवर। पालतू जानवर जो हमारे घर में रहते हैं और जंगली जानवर जो जंगल में रहते हैं। तो बच्चों, ये थे जानवरों के बारे में मालूमात। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हमारे मुल्क का कौमी फूल कौन सा है, यानी किसी देश की कुछ अलामतें होती हैं। जैसे हमारे तिरंगे में तीन रंग हैं, इसलिए हमारा तिरंगा, हमारे झंडे को हम तिरंगा कहते हैं। इसी तरह हमारे देश की भी कुछ अलामतें हैं, यानी कुछ निशानात हैं। जैसे हमारे देश का कौमी फूल कौन सा है, बिल्कुल सही, हमारे मुल्क का कौमी फूल है
कवल। कवल क्या है? हमारे मुल्क का कौमी फूल है। इसी तरह बच्चों, हमारे मुल्क का कौमी परिंदा कौन सा है? आपको पता ही होगा, आपने पिछली जमातों में इसका मुतालिया भी किया है। जी बिल्कुल सही, हमारे मुल्क का कौमी परिंदा है मोर, रंग बिरंगे पंखों वाला मोर हमारे देश का कौमी परिंदा है। इसी तरह हमारे मुल्क का कौमी फल कौन सा है बच्चों? बिल्कुल शाबाश, हमारे मुल्क का कौमी फल है फलों का बादशाह मीठा मीठा आम। तो हमारे मुल्क का कौमी फल कौन सा है बच्चों? आम। तो हमारे मुल्क का कौमी फूल है कंवल, हमारे मुल्क का कौमी परिंदा है मोर, और हमारे मुल्क का कौमी फल है आम। तो इसी तरह प्यारे बच्चों, हमारे मुल्क का कौमी जानवर कौन सा है? बिल्कुल सही, हमारे मुल्क का कौमी जानवर है शेर। तो हमारे मुल्क का कौमी जानवर कौन सा है बच्चों? शेर। इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे होंगे शेर। तो बच्चों आइए, आज हम आपकी जो सबक पढ़ने जा रहे हैं, आपकी किताब से जो सबक पढ़ने जा रहे हैं, वो शेर के ताल्लुक से ही है। तो हम आज इस सबक में शेर के बारे में, शेर के शिकार के तरीकों के बारे में, शेर की अहमियत के बारे में, शेर के तहफ्फुज़ के लिए हुकूमत ने कौन कौन से इकदाम उठाए हैं, इन सब के बारे में मुतालिया इन तमाम वीडियोज में करेंगे। तो प्यारे बच्चों आइए, आज हम आपकी पंजुम जमात की किताब निदाए उर्दू से सफा नंबर 119 पर मौजूदा सबक शेर को पढ़ेंगे। तो चलिए आप अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और औराख को पलटते हुए सफा नंबर 119 पर आइए। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम इस सबक की बुलंद खानी करेंगे और मेरे साथ आप भी इस सबक को पढ़ते जाइए। शेर। शेर हमारा कौमी जानवर है, नस्ल के एतबार से वो बिल्ली के खानदान से ताल्लुक रखता है। शेर को अंग्रेजी जुबान में टाइगर और हिंदी जुबान में केसरी या बाघ कहते हैं। इसका तस्करा हमारी पुरानी और मुकद्दस किताबों और वेदों में भी मिलता है। शेर का निशान बहादुरी और अजमत का निशान है। हिंदुस्तान के तारीखी मुकामों और मंदिरों में भी इसकी बड़ी तस्वीरें आवेजा हैं और कुछ मुजस्मे भी। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्ला अलैह को शेर बहुत पसंद था। इनका तख्त भी शेरों के मुख्तलिफ नमूनों से मजीन था। आप शेर से हद दर्जा मुतासर थे। आपका खौल था गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। इस मुनासिबत से इन्हें शेर मैसूर भी कहा जाता है। शेर को जंगल का बादशाह भी कहते हैं। शेर ऐसे जंगलों में पाया जाता है जहां पानी के गहरे नाले नदियां हो। मौसम गर्मा में पानी में ज्यादा देर तक रहने से इसको सुकून मैसर होता है। शेर तैरना भी खूब जानता है। शेर की खाल का रंग जर्द होता है और खाल पर काली काली धारियां इसकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। शेर तन्हा शिकार करता है। वो चालाक फुर्तीला खूंखार और खतरनाक जानवर है। अक्सर रात के वक्त अपना शिकार ढूंढता है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपने भी मेरे साथ इस सबक को बुलंद खानी से पढ़ा होगा। तो चलिए इस सबक की तशरीह सुनने से पहले हम इस सबक में आए हुए अल्फाज के मानी को जान लेंगे। तो इस सबक में जो अल्फाज हैं जो आपको समझने में थोड़ा मुश्किल होगा वो हैं मुकद्दस, अजमत, मुजस्मे, आवेजा, मजीन, मुयस्सर और तन्हा। तो इन अल्फाज के मानी बच्चों इस तरह हैं। मुकद्दस यानी पाक,
काबिले एहतराम, मुकद्दस यानी पाक, काबिले एहतराम, अजमत बढ़ाई, अजमत यानी बढ़ाई, मुजस्मे मूरत, मुजस्मे यानी मूरत, आवेजा लटकाना, आवेजा यानी लटकाना, मजीन सजा हुआ, मजीन सजा हुआ, मयसर हासिल होना, मयसर हासिल होना, तन्हा अकेला, तन्हा यानी अकेला। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपने इन अल्फाजों के मानी को जान लिया होगा। तो अब सबक की तशरीह की तरफ चलते हैं। तो सबक की तशरीह की तरफ चलते हैं। शेर हमारा कौमी जानवर है, नस्ल के एतबार से वो बिल्ली के खानदान से ताल्लुक रखता है। शेर को अंग्रेजी जुबान में टाइगर और हिंदी जुबान में केसरी या बाघ कहते हैं। तो बच्चों शेर क्या है? जैसे मैंने बताया था, कंवल हमारे देश का कौमी फूल है, मोर हमारे देश का कौमी परिंदा है, आम हमारे देश का कौमी फल है, इसी तरह शेर, शेर क्या है? हमारे देश का कौमी जानवर है, शेर हमारे देश का कौमी जानवर है। तो वो नस्ल के एतबार से बिल्ली के खानदान से ताल्लुक रखता होगा। आपने गौर किया होगा कि शेर और बिल्ली में बहुत सारी मुशाहबत एक जैसी होती है, मतलब शेर और बिल्ली जो है एक जैसे नजर आते हैं। अगर आप शेर के छोटे बच्चों को गौर से देखें, मतलब देखेंगे, तो ऐसे लगा कि ये बिल्ली के ही बच्चे हैं। तो जैसे तस्वीर में देखिए, दोनों दोनों की मुशाबत एक जैसी लग रही है। तो शेर क्या है? बिल्ली के खानदान से ताल्लुक रखता है। शेर को अंग्रेजी जुबान में टाइगर, जैसे हर एक जानवर को अंग्रेजी जुबान में एक एक नाम होता है, जैसे कुत्ते को डॉग कहते हैं, बिल्ली को कैट कहते हैं, इसी तरह शेर को अंग्रेजी जुबान में क्या कहते हैं? टाइगर कहा जाता है। शेर को टाइगर कहा जाता है। और हिंदी जुबान में शेर को क्या कहते हैं? केसरी या बाघ, केसरी या बाघ कहते हैं। इसका तस्करा हमारी पुरानी और मुकद्दस किताबों और वेदों में भी मिलता है। तो शेर का तस्करा अभी नहीं, बल्कि बहुत कई सालों सदियों पहले से जो वेद किताबें बनी थी, जो हिंदुओं की वेदों की किताबें थी, तस्करा यानी जिक्र, तस्करा यानी जिक्र, और मुकद्दस पाक काबिले एहतराम। तो पुराने जमाने की किताब, मतलब मुकद्दस और वेदों में भी और पुरानी किताबों में भी क्या है? शेर का तस्करा मिलता है, यानी शेर का जिक्र कई बार आया है। आपने गौर किया होगा कि हिंदू के कई देवी और देवता शेरों पर सवारी किया करते थे, जैसे इस तस्वीर में दिखाया गया है, वो शेरों पर सवारी करते थे, शेर उनके आसपास घूमा करते थे। कई हिंदी देवी और देवताओं की कहानियों में शेर का तस्करा आया है। और इसी तरह आपकी भी बहुत सारी कहानियां जो आपने बचपन से सुनी है, शेर और चूहे की कहानी लीजिए, शेर और खरगोश की कहानी लीजिए, इन कई कहानियों में भी क्या है? शेर का जिक्र आया है। तो शेर का तस्करा यानी शेर का जिक्र कई मुकद्दस पुरानी किताबों और वेदों में भी मिलता है। मुकद्दस यानी पाक और काबिले एहतराम। तो दूसरा प्यार पढ़ते हैं। शेर का निशान बहादुरी और अजमत का निशान है। तो शेर का निशान यानी अगर किसी को शेर से ये शेर के साथ जोड़कर बात की जा रही है, तो मतलब बहादुरी, हिम्मत वाले, बड़ाई वाले, बड़े वाले, बड़े निडर, बेबाक, इस तरह के जुमलों को शेर के साथ जोड़ा जाता है। अगर शेर को कहा जाए तो क्या कहते हैं? शेर क्या है? बहादुरी वाला और अजमत वाला एक निशान है। तो हिंदुस्तान के तारीखी मुकामों और मंदिरों में भी इसकी बड़ी तस्वीरें आवेजा हैं और कुछ मुजस्मे भी। आवेजा यानी लटकाना, आवेजा यानी लटकाना। तो हमारे देश के जो तारीखी मुकामात हैं, जैसे कई पुराने मनादिर लीजिए, मंदिर लीजिए, किले लीजिए, या कोई और इमारतें, जो तारीखी इमारतें, वहां क्या हैं? शेरों की तस्वीरें क्या हैं? आवेजा हैं, यानी शेरों की तस्वीरें बनाई गई हैं, या शेरों की तस्वीरों को वहां लटकाया गया है, या फिर शेरों के मुजस्मे वहां पाए जाते हैं। मुजस्मे यानी मूरत, अगर जो पत्थर में खोद कर बनाए जाते हैं ना,
ऐसे को क्या कहते हैं, मुजस्मे कहते हैं। तो शेर के कुछ मुजस्मे भी पुरानी तारीखी मुकामों में, मंदिरों में, किलों में, पुरानी तारीखी इमारतों में हमें देखने को मिलती हैं। जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये मनादिर की तस्वीर है। इन मनादिरों में क्या है, शेरों को आप मुजस्मों की सूरत में देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे की लाइन की तरफ चलते हैं। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शेर बहुत पसंद था। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपने तो सुना ही होगा, वो एक बहुत बड़े निडर और हिम्मत वाले हुक्मरान थे। उनको क्या था, शेर बहुत पसंद था। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शेर बहुत पसंद था और इनका तख्त भी शेरों के मुख्तलिफ नमूनों से मजीन था। तो हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो दरबार में जो तख्त पर बैठते थे, तख्त यानी जो एक कुर्सी होती है जिसे हम चेयर कहते हैं, जिस तख्त पर वो बैठा करते थे उसका डिजाइन यानी उसका नमूना भी शेरों के चेहरों से या फिर शेरों के जिस्मानी साख्त से काफी हद तक मिला हुआ होता था, सजा हुआ होता था। जैसे आप इस वक्त तस्वीर में देख रहे हैं, तो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का तख्त भी क्या होता था, शेरों के मुख्तलिफ नमूनों से मजीन था। आप शेर से हद दर्जा मुतासिर थे। आप क्या थे, शेर से हद दर्जा मुतासिर थे, यानी शेर आपको बहुत पसंद था। आपने पिछली जमातों में पढ़ा ही होगा कि एक बार आप हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह और एक फ्रांसीसी अफसर शिकार के लिए जंगल को गए। जब जंगल में जा रहे थे तो सामने से एक शेर ने इन पर हमला किया। जब फ्रांसीसी अफसर ने शेर को मारने के लिए बंदूक से निशाना लगाया तो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, उस फ्रांसीसी अफसर से बंदूक छीन ली और खुद आगे बढ़ते हुए शेर का सामना किया और शेर को अपने हाथों से पछाड़ दिया। इस मुनासिबत से तब से उन्हें क्या कहा जाता है, शेरे मैसूर। क्या कहा जाता है, शेरे मैसूर कहा जाता है। इसलिए आप शेर से हद दर्जा मुतासर थे, इतना मुतासर थे कि आपने अपने परचम का यानी जो झंडा था, जो उस वक्त आपके हुक्मरान का अपनी हुकूमत का जो झंडा था वो भी शेर की खाल से मुनासिबत रखता था। तो आपका कौल था यानी आप हमेशा कहा करते थे, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। गीदड़ एक ऐसा जानवर है जो मरे हुए, जो किसी के खाकर छोड़े हुए मुर्दा जानवरों को खाता है और हमेशा छुप छुप कर जिंदगी गुजारता है। और शेर एक ऐसा जानवर है जो हिम्मत से खुद से तन्हा शिकार करता है और खुद से निडर होकर दुनिया बसर करता है। तो आप हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शेर बहुत पसंद था। इस मुनासिबत से आप हमेशा क्या कहा करते थे कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से यानी गीदड़ की तरह 100 साल जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन की जिंदगी जिया जाए। इस मुनासिबत से इन्हें शेर मैसूर भी कहा जाता है। इसलिए हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह क्या थे, शेर से हद दर्जा मुतासर थे। अपने तख्त में, अपने दरबार में शेर के मुख्तलिफ नमूनों को मजीन किया हुआ था, अपने परचम को शेर की खाल का रंग दिया हुआ था और अपनी जिंदगी में आप हमेशा वो कौल कहते थे जो शेर की मुनासिबत से था, यानी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। और वो खुद भी इतने ही शेर की तरह बहादुर और अजमत वाले थे। इसलिए इस मुनासिबत से हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को क्या कहा जाता है, शेर मैसूर भी कहा जाता है। शेर को जंगल का बादशाह भी कहते हैं। शेर ऐसे जंगलों में पाया जाता है जहां पानी के गहरे नाले नदियां हो। मौसम गर्मा में पानी में ज्यादा देर तक रहने से इसको सुकून मयसर होता है। शेर तैरना भी खूब जानता है। तो क्या है, शेर को जंगल का बादशाह कहते हैं। बच्चों आप सबको मालूम होगा, अपने कहानियों में, कार्टूनों में, बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि शेर को क्या कहते हैं, जंगल का बादशाह कहते हैं। शेर क्या होता है, हमेशा जंगल का बादशाह होता है। वो इतनी हिम्मत वाला, इतना निडर होता है कि सभी जानवरों ने उसे क्या किया है, बादशाह के तौर पर तस्लीम किया है। तो शेर को जंगल का बादशाह भी कहते हैं। शेर ऐसे जंगलों में पाया जाता है जो बहुत घने हो, जहां
पानी के गहरे नाले नदियां वगैरह पाई जाती हो तो शेर ऐसे जंगलों में क्या होता है, पाया जाता है। शेर को क्या है, पानी बहुत पसंद है। शेर को क्या है, पानी बहुत पसंद है। वो हमेशा या फिर मौसम गर्मा में ज्यादा देर तक वो क्या करता है, पानी में रहता है। या एक ये वजह हो सकती है कि तमाम जंगल के जानवर पानी पीने के लिए अगर नदी के किनारे आए तो वो शिकार कर पाए, एक ये भी वजह हो सकती है। लेकिन शेर को क्या है, पानी बहुत पसंद है, इसलिए वो जहां कहीं घने जंगल में नदी नाले हो वहां शेर पाया जाता है। और मौसम गर्मा यानी गर्मी के मौसम में शेर को क्या है, बहुत ज्यादा देर तक पानी में रहने से सुकून हासिल होता है, उसे क्या होता है, सुकून हासिल होता है। तो शेर तैरना भी खूब जानता है, वो सिर्फ पानी में रहना नहीं बल्कि शेर को तैरना भी आता है। देखो बच्चों, शेर को तैरना भी आता है, इसलिए क्या है, शेर को जंगल का बादशाह भी कहते हैं। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। शेर की खाल का रंग जर्द होता है और खाल पर काली काली धारियां इसकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। शेर तन्हा शिकार करता है, वो चालाक, फुर्तीला, खूंखार और खतरनाक जानवर है। अक्सर रात के वक्त अपना शिकार ढूंढता है। तो बच्चों, शेर की जो खाल होती है, खाल यानी जो जिस्म पर जो चमड़ा होता है ना, उसे खाल कहते हैं। तो शेर की खाल का रंग क्या होता है, जर्द होता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो शेर की खाल है इसका रंग क्या है, जर्द है। तो शेर की खाल का रंग क्या होता है, जर्द होता है। और खाल पर काली काली धारियां, धारियां यानी जो लाइनें रहती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काली काली जो धारियां हैं इसकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। यानी शेर की खाल का रंग जर्द होता है और जो जर्द खाल पर काली काली धारियां जो होती हैं इससे क्या होता है, शेर की खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो शेर तन्हा शिकार करता है, तन्हा यानी अकेला। बच्चों, तन्हा यानी अकेला, तो शेर क्या करता है, अकेला शिकार करता है। वो कभी ग्रोह बनाकर या दो तीन शेरों के साथ मिलकर या दूसरे जानवरों के साथ मिलकर शिकार नहीं करता, बल्कि शेर तन्हा यानी अकेला शिकार करता है। वो चालाक, चालाक यानी होशियार, वो बहुत होशियार होता है। फुर्तीला, फुर्तीला यानी लचकदार, वो दौड़ता है, कूदता है, लंबी लंबी छलांगे फांदता है, तो फुर्तीला होता है। चालाक यानी होशियार होता है, फुर्तीला लचकीला होता है। खूंखार, खूंखार का मतलब होता है जो चीर फाड़ दे, यानी जैसे ही वो शिकार को अपने दांतों में जबड़ों में दबोच लेता है तो चीर फाड़ देता है, कुछ मिनटों में ही उस शिकार को क्या करता है, चीर फाड़ देता है। तो इसलिए वो क्या होता है, खूंखार होता है। और खतरनाक, खतरनाक यानी डरावना, जिसे देखते ही एक वहशत पैदा हो जाए, डर पैदा हो जाए, तो ऐसा होता है। इसलिए शेर क्या कहता है, चालाक होता है, होशियार होता है, फुर्तीला, फुर्तीला यानी लचकदार, कूदने फांदने वाला होता है, खूंखार होता है जो अपने शिकार को पल में ही चीर फाड़ कर रख दे, ऐसे होता है। और खतरनाक, खतरनाक यानी डरावना, जिसे देखते ही दहशत पैदा हो जाए, ऐसे होता है। अक्सर रात के वक्त अपना शिकार ढूंढता है। एक तो शेर क्या है, तन्हा शिकार करता है यानी अकेला शिकार करता है, और दूसरा रात के वक्त वो अपना शिकार ढूंढता है। तो रात के वक्त क्या करता है, अपना शिकार ढूंढता है। तो ये था इस लेसन में, इस वीडियो में बच्चों हम इस सबक का इतना हिस्सा ही पढ़ेंगे, आगे के हिस्से को हम आगे के लेसन में देखेंगे। तो चलिए बच्चों, दोबारा से इस लेसन को हम पढ़ते हैं। तो शेर हमारा कौमी जानवर है, नस्ल के एतबार से वो बिल्ली के खानदान से ताल्लुक रखता है। शेर को अंग्रेजी जुबान में टाइगर और हिंदी जुबान में केसरी या बाघ कहते हैं। इसका तस्करा हमारी पुरानी और मुकद्दस किताबों और वेदों में भी मिलता है। शेर का निशान बहादुरी और अजमत का निशान है। हिंदुस्तान के तारीखी मुकामों
और मंदिरों में भी इसकी बड़ी तस्वीरें आवेजा हैं और कुछ मुजस्मे भी। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्ला अलैह को शेर बहुत पसंद था और इनका तख्त भी शेरों के मुख्तलिफ नमूनों से मजीन था। आप शेर से हद दर्जा मुतासर थे। आपका कौल था गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। इस मुनासिबत से इन्हें शेर मैसूर भी कहा जाता है। शेर को जंगल का बादशाह भी कहते हैं। शेर ऐसे जंगलों में पाया जाता है जहां पानी के गहरे नाले नदियां हों। मौसम गर्मा में पानी में ज्यादा देर तक रहने से इसको सुकून मयसर होता है। शेर तैरना भी खूब जानता है। शेर की खाल का रंग जर्द होता है और खाल पर धारियां काली काली धारियां इसकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। शेर तन्हा शिकार करता है। वो चालाक फुर्तीला खूंखार और खतरनाक होता है। अक्सर रात के वक्त अपना शिकार ढूंढता है। तो बच्चों ये था आज का हमारा सबक। तो चलिए अब हम इस सबक के ताल्लुक से सवालों के जवाब की सरगर्मी को हल करते हैं। सवालों के जवाब दो या तीन जुमलों में लिखो। तो पहला सवाल है हमारे कौमी जानवर का नाम लिखिए। हमारे कौमी जानवर का नाम लिखिए। तो बच्चों जवाब है बिल्कुल सही, हमारे कौमी जानवर का नाम शेर है। हमारे कौमी जानवर का नाम शेर है। सवाल नंबर दो है शेर का निशान क्या जाहिर करता है। शेर का निशान क्या जाहिर करता है। बिल्कुल सही बच्चों, शेर का निशान बहादुरी और अजमत का निशान है। शेर का निशान बहादुरी और अजमत का निशान है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्ला अलैह का कौल क्या है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्ला अलैह का कौल क्या है। बिल्कुल सही बच्चों, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्ला अलैह का कौल है गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। तो सवाल नंबर चार, नस्ल के एतबार से शेर का ताल्लुक किस खानदान से है। नस्ल के एतबार से शेर का ताल्लुक किस खानदान से है। बिल्कुल सही जवाब है, नस्ल के एतबार से शेर का ताल्लुक बिल्ली के खानदान से होता है। नस्ल के एतबार से शेर का ताल्लुक बिल्ली के खानदान से होता है। तो सवाल नंबर पांच है बच्चों, शेर को हिंदी और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। जी हाँ, शेर को हिंदी में बाघ और केसरी, या हिंदी में बाघ या केसरी और अंग्रेजी में टाइगर कहा जाता है। सवाल नंबर छह है, जंगल का बादशाह कौन है। जंगल का बादशाह कौन है। जवाब है बच्चों, जंगल का बादशाह शेर है। जंगल का बादशाह शेर है। सवाल नंबर सात, शेर की खाल का रंग कैसे होता है। शेर की खाल का रंग कैसे होता है। शेर की, जवाब है बच्चों, शेर की खाल का रंग जर्द होता है। शेर की खाल का रंग जर्द होता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने इन तमाम सवाल जवाब को अपने कापियों में लिख लिया होगा। तो बच्चों चलिए अब इस सबक के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और वो है घर पर काम। तो आपके लिए होमवर्क घर पर काम होगा, आपके पसंदीदा जानवर पर चंद जुमले लिख कर लाओ। आपका कोई ना कोई जानवर आप ऐसा होगा जो आप उसे पसंद करते होंगे, उसके बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, तो ऐसे जानवर के बारे में चंद जुमले लिख कर लाइए। तो काम है आपका, घर पर काम है, आपके पसंदीदा जानवर पर चंद जुमले लिख कर लाओ। तो बच्चों ये था आज का हमारा शेर सबक का हिस्सा अव्वल, हिस्सा दुवम और हिस्सा सुवम। हम अगले वीडियोज में देखेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अनुदिना अनुक्षणा कलियोणा कलिकेय सहा।